अब एक फ्रैक्चर हुआ है, मतलब कि यार एक्सरे में दिया है, एक्सरे करेंगे तो भाई पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पे भी एक उंगली पे लगी है, ठीक है, और एक यहाँ पे चोट लगी है थोड़ा कुछ। ये देख पा रहे हो मेरा बाइक, यहाँ पे कूड़ा एकदम घिसक चुका है, और डी सॉइल देखो भाई फट गया है एकदम पूरा। देखो यार पूरा एकदम होल हो चुका है भाई, ऐसा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई मेरे से। मैं यार आप लोग के बीच रहता कि नहीं भाई दीपेंद्र सेवरदास चैनल को, भाई लास्ट वीडियो होता भाई ये वाला। सो हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, यहाँ से पूरा जो स्क्रैच हो चुका है भाई, और यहाँ पे देखो भाई रेड कलर से पूरा ब्लैक कलर हो चुका है। तो गाइज यार मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। तो कैसे हुआ है उसका भाई फुटेज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा पास भाई कैमरा था लेकिन यार रिकॉर्ड के मूड में नहीं था। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है एंड बाइक का थोड़ा कुछ खर्चा भी हो चुका है, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अभी मैं घर पे देख पा रहे हो। सो कैसे एक्सीडेंट हुआ आप लोग को सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। सो क्या क्या मेरे को हुआ है वो एक बार आपको बता देता हूँ भाई। सो गाइज देखो यार यहाँ पे एक फ्रैक्चर हुआ है, मतलब कि यार एक्सरे में दिया है, एक्सरे करेंगे तो भाई पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पे भी एक उंगली पे लगी है, ठीक है, और एक यहाँ पे चोट लगी है थोड़ा कुछ। आई होप यार घुपर में नज़र आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आना चाहिए। ओके सो चलो अभी बाइक का थोड़ा हाल दिखाते हैं और क्या क्या हुआ है, ठीक है। सो चलो अभी बाहर चलते हैं भाई, चल तो रहा है भाई ऐसे ऐसे लग रहा के, लेकिन फिर भी यार चलना पड़ता है भाई, ठीक है। चलो अभी दिखाते हैं भाई लोग आप लोग को। एंड यहाँ पे सो ये रहा मेरा मामा का बाइक, भाई क्या ही बताए बहुत दर्द हो रहा है। और गाइस यार यहाँ आ चुके हैं बाइक के पास, ये देख पा रहे हो मेरा बाइक, और बाइक का हाल देखो भाई क्या हुआ है। देखो गाइस मतलब कि यहाँ पे एक छोटा सा खरोच आया है, और ये देखो यहाँ पे पूरा एकदम घिसक चुका है, और यहाँ पे देखो मेरा जो ब्रेक है भाई पूरा ब्रेक पूरा उठ चुका है भाई, पूरा घिसक के पूरा। ये देखो भाई पूरा एकदम क्या हुआ है, और डी सॉइल देखो भाई फट गया है एकदम पूरा पूरा से। और गाइस यहाँ पे देखो भाई होल हो चुका है, मतलब कि इसका जो गार्ड था वो पूरा निकल चुके हैं। और यहाँ पे देखो भाई ये पूरा रेड कलर से था भाई, रेड कलर से पूरा एकदम ब्लैक हो चुका है एकदम पूरा। देखो यार पूरा एकदम होल हो चुका है भाई, कैसा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई मेरे से। एंड भाई कैसे हुआ है वो एकदम आप लोग को बताते भाई, ठीक है। घर पे चलते हैं। ओके भाई क्या ही बताए भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी यार आप लोग को बोलना चाहता हूँ भाई, क्योंकि यार एक्सीडेंट वगैरह भाई हर कोई भी होते रहता है भाई, ठीक है। सो प्लीज़ हेलमेट पहना करो भाई, मैं हेलमेट था भाई इसलिए भाई बच गया, लेकिन यार आज क्या होता भाई पता नहीं। मैं यार आप लोग के बीच रहता कि नहीं भाई दीपेंद्र सेवरदास चैनल को, भाई लास्ट वीडियो होता भाई ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे देखो भाई इसका इंडिकेटर जो है भाई एकदम पूरा ये पूरा फट गया है भाई। ओके देखो यार इसका स्क्रैच गार्ड देखो भाई पूरा गया भाई। ओके और क्या क्या हुआ भाई, देखो यार साइलेंसर तो भाई पूरा क्या ही बताए पूरा घिस चुका है भाई। ओके सो हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, मतलब कि यार देखो यार यहाँ से तुम देखोगे तो भाई ठीक है, लेकिन यार जो टायर का एलॉय है ना भाई, एलॉय थोड़ा लेफ्ट साइड में टेढ़ा हो चुका है, ठीक है। ये सब हुआ है, और लेफ्ट साइड का जो स्क्रैच घट था ये भी पूरा खुल के कहाँ गिर गया भाई पता नहीं। ओके मतलब कि यार फुल मिला के बहुत खर्चा हो गया है, और भाई बहुत बड़ा नुकसान भी हो चुका है मेरा। शुक्र करो भाई मैं बच गया हूँ, क्योंकि यार मेरे पास भाई हेलमेट था भाई एग्जॉस्ट का, ठीक है। हेलमेट नहीं रहता तो भाई बहुत बड़ा कांड हो जाता भाई, क्या ही बताएं। और क्या क्या नुकसान हुआ है वो आप लोग को बताते भाई, ठीक है। घर पे चलते हैं। ओके और गाइस यार ये रहा मेरा हेलमेट, देखो यार इसका हालत देखो भाई, देखो इसका हालत यहाँ से पूरा जो स्क्रैच हो चुका है भाई, और यहाँ पे देखो भाई रेड कलर से पूरा ब्लैक कलर हो चुका है। ये हेलमेट था भाई इसलिए मैं बच गया, नहीं तो आज मैं कहाँ पर था भाई मैं खुद नहीं जानता। आप लोग समझ लो भाई कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है।
ये वाला हेलमेट रहता तो भाई कब का गुजर चुका भाई मैंने। देखो यार क्या हुआ है भाई, हालात देख पा रहे हो। और गाइज मेरे हाथ पे जो भाई ये घड़ी थे, घड़ी का काँच भी उठ चुका है। मतलब कि घड़ी ठीक साक से चल रहा है लेकिन यार काँच नहीं है, बिना काँच के चल रहा है। ओके एंड मैं तो यार ठीक से, मेरा स्पीड था बाइक भाई 40 के आसपास, लेकिन यार अचानक से भाई मेरे सामने कुत्ता आ चुके थे भाई, क्या ही बताएं। ठीक है एंड कुत्ता भाई सामने भाई जो वाला थे ना एला के पूरा एकदम पूरा घूम चुका था। और भाई मैं एकदम लेफ्ट में गिरा फिर राइट में गिरा, बस ये सब हो डाला। ठीक है मतलब कि मेरे पास हेलमेट थे भाई इसलिए भाई मेरा सर बच गया, लेकिन यार आज भाई पूरा एकदम टाटा बाय बाय हो जाता भाई। सो भाई मैंने जा रहा था भाई कालना पे, कालना कॉलेज पे मेरे बहन को लाने के लिए, आज उसका एग्ज़ाम था भाई। सो ये रहा मेरा बहन। ओके सो बहन को तो मैं लाने नहीं पाया, बहन भाई बात से जा चुका था। ओके सो क्या ही बताए। सो ये रहा मेरा पैर, अभी यहाँ पे दोनों ऐसे ही रहना पड़ेगा। ओके मेडिसिन वगैरह चल रहा है। ये रहा मेरा बहन। ओके सो क्या ही बताए भाई, ये सब हो चुका है। एंड भाई आप लोग को एक और बार बोलना चाहता हूँ भाई, आप लोग भाई हेलमेट पहना करो। ओके सो राइडिंग गियर्स तो आप लोग के पास है लेकिन यार हेलमेट बहुत ही मस्त है भाई। हेलमेट चाहो तो हेलमेट पहना करो भाई, हेलमेट के वगैरह भाई बाइक मत चलाओ भाई। ये मेरा विनती है भाई, रिक्वेस्ट भाई आप लोग मानना, क्योंकि यार मेरा जो हुआ है भाई आप लोग को ये वीडियो देख के भाई समझ नहीं पाओगे भाई फुटेज जब तक आप लोग नहीं देखोगे। लेकिन यार दुख की बात है भाई मेरे पास कोई फुटेज वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैमरा थे लेकिन यार रिकॉर्ड में नहीं थे भाई। आप लोग तो जानते हैं भाई वर्जन 3 का 40 में कितना स्पीड रहता है। और भाई मैं तो अभी हूँ भाई काटवा पे, धातीग्राम बोल के एक जगह पे भाई, आप लोग ना भाई यहाँ पे पहचाने नहीं पाओगे। आप लोग मान के चलो भाई काटवा है। सो काटवा पे ना भाई गाँव का साइड है भाई, कुत्ता वगैरह भाई जानवर वगैरह इधर पे भाई घूमता रहता है भाई, क्या ही बताए। ठीक है सो ऐसा हो जाएगा भाई, पता नहीं चलता भाई, क्योंकि यार हम लोग के उधर पे ना भाई ये सब नहीं रहता है, सिर्फ ट्रक का रहता है भाई स्पीडिंग वगैरह। मैं तो भाई स्पीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया फिर भी मेरे पास ऐसा हो गया। ठीक है सो लाइफ में ऐसा था भाई, किस्मत ख़राब है भाई क्या ही बताए। ओके सो ये सब हो गया, एक हफ्ता क्या एक महीना भी हो सकता है भाई कोई बाइक नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि यार मेरा बाइक का हालत बहुत ख़राब हो चुका है। सर्विस सेंटर भी देना पड़ेगा, अभी कितना खर्चा आएगा भाई कुछ पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा क्या खर्चा आएगा कि नहीं वही देखना का, वो भी आप लोग का ब्लॉग में देख पा जाएगा। ठीक है सो ये रहा मेरा बहन, बहुत ही डरा हुआ है। और गाइज यार आप लोग शुक्र करो भाई मेरे कैमरे पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है क्योंकि यार मेरा कैमरा जो था भाई, जो माउंट देख पा रहे हो ना भाई यहीं पर था, एंड चोट लगा कहाँ पे देखो भाई इधर पे, मतलब कि हेलमेट ना भाई ऐसे जाके गया था और कैमरा भाई इधर पे था। ठीक है इसलिए भाई कैमरे पे कुछ चोट नहीं आया भाई, क्या ही बताएं, गोप्रो हीरो 9 बज गया भाई। ठीक है सो ये जो शूट हो रहा है ना भाई ये गोप्रो हीरो 9 से शूट हो रहा है और मेरा कैमरा बच गया, यही मेरे लिए बहुत लकी है। ठीक है सो बाइक का तो हो ही चुका है भाई हालत ख़राब। और गाइज वो देख पा रहे हो मेरा बाइक उधर पे है और मैं इधर पे हूँ। ठीक है सो चलो गाइज अभी हमको सोने का टाइम आ चुका है। ठीक है तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है भाई दोपहर के 1 बजे। ओके सो अभी टाइम हो रहा है भाई 4 बजे, 4 बजे आके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उस टाइम में ना भाई वीडियो शूट नहीं कर पाया था। ओके सो लेट्स मूव। सो भाई आप लोगों को भाई एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, इन्फॉर्मेशन भाई यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ओके बट आप लोग को भाई और एक बार भाई हम्बल रिक्वेस्ट भाई, आप लोग हेलमेट वगैरह भाई पहना करो और स्पीडिंग वगैरह मत करो यार। ओके आज से स्पीडिंग वगैरह एकदम बंद भाई मेरे से। मैं तो यार स्पीडिंग वगैरह नहीं किया फिर भी यार मेरे से हुआ, किस्मत ख़राब है तो भाई हो सकता है, और ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा भाई। ठीक है सो तब तक के लिए टाटा, एंड नेक्स्ट वीडियो कब आएगा भाई कुछ पता नहीं। ओके सो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना भाई। ओके 1 आवर लेटर। तो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे डोल आ रहा है। ठीक है सो यहाँ पे छोटे भाई नहीं जा रहे, उसका हालत देखो भाई पूरा रो रहा है भाई। सो यहाँ पे देखो मेरा बड़ी बहन, मम्मी भी, मम्मी वहाँ पे है और मामी नहीं जा रहा है, उस छोटी बहन का एग्जाम है कल इसलिए नहीं जाएगा तो ठीक है। और ये रहा मेरा मेजो मम्मी एंड ये रहा मैं। सो मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ तो आप लोग को तो पता ही है भाई। ये रहा मेरा पैर का हालत, मतलब कि पैर का हालत है सब तक भाई कैसे जाएगा। ठीक है सो तो हम आज मैं रात में ना भाई बिरयानी खाएंगे, मेरा मामा लेके आएंगे, मैं और बहन खाएंगे एक साथ में। क्यों बहन खाएगा नहीं, खाएगा तो खाएगा ना। तो ठीक है मैं और
बहन खाएंगे एक साथ बिरयानी और सब जाएंगे भाई। और हम पैर का ऐसा हालात है हम नहीं जाएंगे, और बहन का भाई कल एग्जाम है बहन भी नहीं जाएंगे, तो दो ही भाई बहन हम मिलके भाई बिरयानी पिलेंगे खाएंगे ऐज मस्ती करेंगे भाई, स्प्राइट भी लेके साथ आएंगे। ओके तो गाइज यार देख पा रहे हो पूरा फुल रेडी है, मेरा मम्मी भी फुल रेडी है देखो यार। तो मम्मी को कैसा लग रहा है कमेंट करना गाइज। ओके ठीक है, सो मम्मी के लिए तो भाई लाइक बनता है ना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब से जरूर से करना। ओके क्यों मम्मी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नहीं? अवश्य। हिंदी में बोलो, हिंदी में हिंदी में हमें बोलते पड़ी ना, तो बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे लड़के का, बोलो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बेटा का। तो मम्मी थोड़ा हिंदी में वीक है वैसे। द नेक्स्ट डे কি দিলি গো এটা? এই তো ভেতর কিছু থাকলে ফেললে তো ইয়ে করে দেবো। আস্তে 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 প্রচুর জ্বলছে গো, এটা দেয়নি বলে দেখ জায়গাটা কেমন কালো হয়ে গেছে, আমি দিচ্ছি Everything you know is in your mind.